हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कल है 25 दिसंबर, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ बिरयानी शेयर करूँ। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आज बनाने वाली हूँ बिरयानी, बहुत ही सिंपल तरीके से। बेसी मैंने यहाँ पर ताम झाम कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल सा बिरयानी बनाने में, जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत वक्त भी लगता है, बहुत समझ के बनाने पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी भूल चूक होने से तो हम लोग का बिरयानी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसी सब चीज़ का मैंने ध्यान रखते हुए मैंने आज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज बिरयानी बनाने वाली हूँ, जो हर किसी के बस में है बना सकता है अगर वो ट्राई करे तो चलिए मेरे साथ आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। मैंने यहाँ बिरयानी बनाने के लिए लिया है 1 किलो चावल, 1 किलो आलू, यहाँ पर 1.5 किलो लिया मैंने चिकन, यहाँ पर कुछ गरम मसाला है, दालचीनी, तेजपत्ता, जायत्री, लौंग, इलायची, गरम मसाला और गुड़ा गरम मसाला मैंने लिया है, हल्दी, गुड़ा मिर्चा और जीरा, और घी मैंने यहाँ पर लिया है, और प्याज मैंने लिया है 250 मैंने प्याज। और यहाँ पर मैंने गैस जला के एक बड़ी बड़ा डेगची में पानी मैंने लिया है, ये पानी जैसे ही गर्म होगा उसमें चावल डाल देंगे। पानी में मैंने डाला है कुछ लौंग, इलायची और दालचीनी, ये देखिए। फिर अब कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा एक डाला तेज़पत्ता और एक छोटा प्याज मैंने लिया है, ये जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी आलू। और यहाँ पर मेरा पानी जो है गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें चावल, पानी और नमक अपने स्वाद अनुसार। पानी मैंने इतना ही डाला है कि पानी जो है बचे नहीं, इसी में गल जाए, सूख जाए और एक्स्ट्रा पानी जाना ना रहे, तो यही हिसाब से चावल जो है मेरा फूटने लगा है, जिसमें मैंने डाला है 1 गोटा नींबू, क्योंकि 1 किलो में 1 गोटा नींबू और नमक। मेरा आलू हो गया है पूरा कम्प्लीट, देखिए पानी भी प्रेस हो गया थोड़ा सा, वो भी मैं पूरा पका दूँगी। और यहाँ पर मेरा चावल भी हो चुका है पूरा 90% और 10% जो है मैं दम पे गलाऊँगी। इसी कढ़ाई में आलू खाली करके थोड़ा सा तेल दिया है, उसमें दिया है प्याज और 2-3 तेज़पत्ता, ये जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी। ये ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चिकन, पानी गया है सूप, अब मैं इसमें डालूँगी सब मसाले, सारे मसाले डाल दूँ जो मैंने आपको बताया था, और इसमें मैंने गुड़ा गरम मसाला भी दिया और नमक भी मैंने यहाँ पर अभी दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी देकर मैं बंद कर दूँगी। ऑलमोस्ट ये गल ही चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर पानी दिया है, जैसे नहीं जो है वो पूरी तरह से हो चुका है, तो इसे मैं अभी उतार लूँगी और मैं बिरयानी बनाने के लिए हो चुका है मेरा चिकन रेडी। चलिए बिरयानी को अब बैठाया जाए, गुलाब पानी मीठा कर और जाफरानी रंग को मिक्स किया है, इसे मैं बिरयानी में डाला। चावल को मैंने यहाँ पर खाली कर लिया है, निकाल लिया है छोटे से गमला में, और ये चावल में अब मैं डालूँगी इसमें आलू, आलू जो है मैं पूरी तरह से अच्छी तरीके से फैला दूँगी, तेज़पत्ता जो है ये मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इस तरह से हम लोगों को फैलाना है, उसके बाद मैं दूंगी यहाँ पर चिकन, हाँ मैं चिकन दूंगी, चिकन को भी 1-1 या 2-2 पीस करके मैं चारों तरफ फैला दूंगी
और हाँ मसाला भी देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप मसाले भी दीजिए, चिकन भी दीजिए। इस तरह से चारों तरफ फैला दिया है और इसमें अब मैं थोड़ा सा दूंगी गुलाब पानी का मिश्रण, थोड़ा 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 थोड़ा, बेसी नहीं, थोड़ा थोड़ा हमें देना है, नहीं तो बेसी कलर अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो चुका कंप्लीट। उसके बाद मैं दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद मेरा बचा हुआ जो चावल था जो मैंने निकाला था, वो सारे चावल को मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मेरा जो गुलाब पानी बचा हुआ है वो भी मैं डाल दूंगी सब। बाद में डाल दूंगी यहाँ पर सारे गरम मसाले। उसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी। उसके बाद मैं गरम तावा जलाकर गरम करूंगी। उसके ऊपर मैं ये रखूंगी, उसके ऊपर कुछ भारी सामान आपको रखना है। तो यहाँ पर बस ये रखूंगी। उसके बाद 10 मिनट जैसे तावा का मेरा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं जो है गैस जो है एकदम ही आस्ते कर दूँगी 10 मिनट तक। इसी तरह मैं छोड़ दूँगी। मैंने जितना मैंने आपको गरम मसाला दिखाया था सारे गरम मसाले को मैं चम्मच में घी मैंने दिया है 25 ग्राम और घी देने के बाद उसे मैं गर्म करूँगी। उसके बाद मैं इस बिरयानी में डाल दूँगी। तो गाइस फाइनली हम लोग का बिरयानी बन के हो चुका है तैयार। तो ये देखिए पूरा एकदम घर में ही बनाए, सिंपल तरीका से ही बनाया है लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, चिकन भी बहुत अच्छा हुआ, आलू भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। तो इसको आप सलाद के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, जिस तरह मर्जी उस तरह से खाइए। बिरयानी बन के हो चुका है तैयार। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ खाने क्योंकि मुझे बिरयानी बनाते बनाते तो बहुत ज़ोर की भूख भी लग गई है। तो मेरा आज का ये वीडियो बिरयानी का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे इस रेसिपी को आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। और हाँ मेरे इस वीडियो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।